नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हमारे साथ क्रांतिकारी योद्धा मौजूद हैं, संदीप वाल्मीकि, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। संदीप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय भीम, थैंक यू। संदीप जी, आप बहुजन समाज की बात करते हैं, बसपा की बात करते हैं, बहन कुमारी मायावती की बात करते हैं, और जो बात करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बाद जो पार्टी आती है वो आती है बसपा। बसपा का इतने बड़े नंबर पे, तीसरे नंबर पे आना, और उसके बावजूद भी इसमें गिनती के तीन अच्छे कोऑर्डिनेटर भी नहीं होते हैं, उसका क्या विशेष कारण? देखिए, बड़ा अजीब सा सवाल पूछ लिया आपने। और देखो, मैं हमेशा सच के लिए जाना जाता हूँ। आप बहन जी को देखो, आप बहन जी पूरे देश को देख रही हैं, हर जगह पे नज़र रखती हैं, लेकिन सरकारें क्यों नहीं बन पाती, या वोट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ क्यों नहीं पाता? कहीं ना कहीं जो लोग जिम्मेदारी लेकर के जाते हैं एरिया में, क्षेत्र में, या तो उनकी ईमानदारी में कमी है, या उनका काम करने का तरीका गलत है। तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 ठीक होंगी। काफ़ी जंग लगा हुआ बहुत सारी चीज़ों पे, जो धीरे धीरे उतरेगा। और आप देख लीजिए, चाहे सहारनपुर का कांड हो, बहन जी त्याग और बलिदान की देवी हैं, है ना। बहन जी ने 2 मिनट लगाई ठोकर मारने पे राज्यसभा की कुर्सी पे। और कुछ लोग हमारी ही पार्टी में जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, या जो लोग मिशन में ईमानदारी से काम करते हैं, उनसे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि वो नहीं करना चाहिए, है ना। मान्यवर साहब काशीराम जैसे बहन जी को आगे लाए और बहन जी ने उस सपने को साकार किया, उत्तर प्रदेश की 4-4 बार सफल मुख्यमंत्री रही। तो जो लोग इन जिम्मेदारियों को लेके जाते हैं, प्रभारियों की या प्रदेश अध्यक्षों की, उनकी जिम्मेदारियां बनती के रिजल्ट दें, है ना। और रिजल्ट क्यों नहीं आता, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि बहन जी को लोग ठीक तरह से गाइड कर पाते हैं, वहाँ जा कर के वो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, है ना। लेकिन बहन जी इतनी दयावान है, अपने लोगों को फिर भी वो हंस के टाल देती हैं, कोई बात नहीं, लोग अपने ही हैं, समझदार, समझ जाएंगे, आज नहीं तो कल रास्ते पर आ जाएंगे, है ना। बहन जी ने बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारियाँ दी, बड़ी जिम्मेदारियाँ दी। कुछ लोग भाजपा में भाग जाते हैं, कुछ लोग कांग्रेस में भाग जाते हैं, और जब वो पार्टी में रहते हैं तो पार्टी का नुकसान करते हैं। तो मैं तो सबसे अपील करूँगा कि जब हमारे पास इतना मजबूत नेतृत्व है, आज बहन जी से बड़ा चेहरा इस देश की राजनीति में कोई नहीं है। लोग इशारे की इंतजार करते हैं बहन जी का, कि बहन जी कब इशारा करें, कब तक था पलट दें हम लोग। लेकिन बहन जी कहती हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हमें काम करना है, और अपने दबे कुचले समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना है, जो मान्यवर साहब काशीराम का भी सपना था और बहन जी का भी सपना है। तो आप लोगों से मैं तो इतना ही कहूँगा सुरेंद्र भाई, कि लोग ईमानदार हो जाएं, नहीं तो वो लोग बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैंने जीवन में ठान लिया है, चुनाव की राजनीति से दूर रहेंगे, हमने मिशन और मूवमेंट को जो है ना, और पार्टी को स्टेब्लिश करना है, और पूरे देश में इसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। 21 तारीख को जो आंदोलन हुआ रामलीला मैदान में, उसमें भीड़ किस वजह से आई कुछ लोगों को पता ही नहीं है। कुछ तो हमारे गुरु रविदास जी महाराज, उसमें लोग आस्था रखते हैं, धार्मिक लोग आए, अच्छी बात है, धर्म हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, महापुरुषों की जो विचारधारा है वो स्टेब्लिश रहनी चाहिए। दूसरा, एक अफवाह उड़ालो या भीड़ को मोबिलाइज करने के लिए ये प्रचारित करा गया कि बहन जी उस दिन आएंगी, और बहन जी को देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग दिल्ली की सड़कों पे उतरे, ये बहन जी का जलवा है। और आपने देखा उस रामलीला मैदान में नीला झंडा और हाथी कैसे फहरा रहा था, आप लोगों ने देखा, और बहन जी ने भी उसका आंदोलन का समर्थन किया। जब तक आंदोलन शांतिपूर्ण होता है हम लोग समर्थन करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है आंदोलन करने के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वहीं पर एक बात और कहता है, जो मान्यवर साहब कांशीराम कहते थे, कि दुश्मनों के सामने धरने, प्रदर्शन,
एजिटेशन नहीं करने, है ना। उनके पास जिसके पास राज होता है उसका आज होता है, और आज का आप लोगों ने देख भी लिया, आज मनु समर्थी का एक कोर्ट बना दिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में सावरकर की स्टैचू लगा दी, जबकि उनको हटानी पड़ी, कुछ लोगों ने जूते की माला डाल दी। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं देश में, घटनाक्रम चल रहा है, और कांग्रेस को ख़त्म करने वाली जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। बीजेपी तो अब अपने कर्मों से ख़त्म हो जाएगी, और बसपा का बहुत उज्ज्वल भविष्य है। जो लोग राजनीति भी करना चाहते हैं उनका स्वागत है इस पार्टी में, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी है ये, और बहन जी हमारी नेता हैं, लेकिन ये पार्टी वेल डिसिप्लिन्ड और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के चलने वाले लोगों के लिए है, ना कि बंदरबाजों के लिए, है ना, उस टाइप के लोगों के लिए नहीं है जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, है ना। तो यही था सुरेंद्र भाई, इसमें कोई बुरा माने तो भाई मानता रही, मेरे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सच कहता हूँ और सच के अलावा कुछ नहीं कहता। जय भीम, जय मानवर साहब का श्रीराम, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आप थे हमारे साथ संदीप वाल्मीकि, उन्होंने बताया कि अगर बहुजन समाज को जीवित रहना है या बहुजन समाज के इतिहास को बनाना है तो उसके लिए बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा, जितनी भी जातियां हैं उनको एक साथ होना पड़ेगा, एससी एसटी ओबीसी सबको एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी इस देश में बहुजन समाज के लोगों की सरकार बन सकती है। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब, थैंक यू। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।